So, all right. Hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो guys, finally आपके लिए मैं Jack Deli की choice filling preference list बना के ले आया हूँ. काफी मैंने time लगाया इस पे, काफी research करी और बहुत सुंदर सी PDF आपके लिए ready करी है. टेंशन मत लो, उसको अभी अच्छे से समझाएंगे. और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में बाकी टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहां पे भी मैं ये चीजें अपडेट करता रहता हूँ. कोई भी डाउट आते हैं वहां पे आप जाके पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन तो बाकी ओपन है ही. डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल है, कोई पर्सनल डाउट आ रहा है वहां जाके पूछ लो. ये देखो, चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग जो है ना, वो पूरी काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है. इसी के लिए जो काउंसलर्स आपको कॉल करते होंगे, कहते होंगे 30,000 to 40,000 आप हमें पे करें और हम आपका DTU NSUT में एडमिशन करा देंगे. बट DTU NSUT में मैनेजमेंट कोटा थोड़ी चलता है. जो हमारा पूरा PDF आया, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया, जो हमारा एक क्वेश्चन वाला PDF आया, उसमें साफ साफ लिखा है नो मैनेजमेंट कोटा. इसका मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, आपकी चॉइस फिलिंग थोड़ी अच्छे से करेंगे, अच्छे से आपके राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे, स्पॉट राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट करवाएंगे और कोई चांस नहीं होता कि आपका एडमिशन होगा उसमें या नहीं होगा. भाग जाते हैं वो बाद में, तो आप उनको बिल्कुल उन पे ट्रस्ट नहीं करना. सब चीजें आपको फ्री में मिल रही है, क्या दिक्कत है. एक चॉइस फिलिंग आपके लिए मैं अच्छे से लाया हूँ बना के. काफी रिसर्च तो मैंने करी है इसके ऊपर. लास्ट ईयर आई गेस 50 चॉइसेस थी, इस बार 64 चॉइसेस हो गई. अब ये जो चॉइस फिलिंग है ना, मोर देन 50% जनता इसमें गलती कर देती है. देखो, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसमें इश्यू क्या आता है. बेसिकली सबसे बड़ा खेल यही है कि आपने जैसे अभी रजिस्ट्रेशन करी, अभी एक महीना रजिस्ट्रेशन चलेगी, उन्होंने कहा आप चॉइस फिलिंग भी कर लो, बट उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी कि अब जो आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, इसके बाद आप इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते. जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बंद हो गया तो उसका मतलब आपकी चॉइस फिलिंग भी अब बंद हो चुकी है, वो लॉक हो चुकी है. अगले 5 राउंड अब आपकी यही चॉइस फिलिंग चलेगी. अब लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ. चलो छोटा सा, मान लो मैंने DSU फिल आउट नहीं करा, ठीक है, मेरे को मिल सकता था बट मैंने वो फिल आउट नहीं करा क्योंकि मेरे को वो चाहिए नहीं था. अब हमारा राउंड चलना शुरू हो गया, हम 5th राउंड तक पहुंचे, हमें पता चला कि हमें DSU में एडमिशन मिल सकता था बट लेकिन हमने वहां पे लिया नहीं क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं था. बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि आपने तो वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रखा था. इसके बाद आता है हमारा अपग्रेडेशन राउंड. अपग्रेडेशन राउंड में वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको वो कोई कॉलेज अलॉट इन 5 राउंड में हुआ हो. अब वो अगर 5 राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप अपग्रेडेशन राउंड में जा ही नहीं सकते. तो ये चीजें बहुत मैटर करती है. कोई बात नहीं, अभी आपको थोड़ा कम समझ आ रही होंगी बट टाइम टू टाइम चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा. अभी तो आपको बस ये चॉइस फिलिंग बहुत बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली करनी है. कोई डाउट आता है जरा सा भी कमेंट में लिख दो. कोई पर्सनल डाउट है इंस्टाग्राम पे लिख दो, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे लिख दो. बट ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचे समझे, बिना सोचे समझे कुछ भी आपने वहां पे फिल आउट कर दिया. अब एक चीज और है, मान लो हमें कुछ अलॉट हो जाता है, हमने फी पे कर दी, सीट एक्सेप्टेंस फी होती है ना 95,000, वो हमें पे करनी होती है अगर हमें कुछ अलॉट हो जाए. अब फर्स्ट राउंड में मेरे को DSU मैकेनिकल अलॉट हो गई फॉर एग्जांपल, अब वो मेरे को चाहिए नहीं, फिर हमें मन में लगता है कि हम इसके लिए 95,000 क्यों पे करें. बट आपको पे करने हैं क्योंकि आपको वो रिफंड मिल जाएगा. एक डेट दे रखी इन्होंने शेड्यूल में, वो भी अभी आपको समझाएंगे आने वाली वीडियोज में. 19th of July हमारी लास्ट डेट है फॉर फी रिफंड, तो आपका रिफंड आएगा. तब तक ऐसा मत सोचो कि रिफंड नहीं आने वाला. तो फी एक्सेप्टेंस पे आपको, मतलब फी पे करनी है सीट एक्सेप्टेंस, ठीक है, फिर उसके बाद आप तभी नेक्स्ट राउंड्स में एलिजिबल होगे. तो काफी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है. कोई नहीं, राउंड बाय राउंड आपको समझाएंगे. अभी चॉइस फिलिंग की तरफ चलते हैं. तो ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, ठीक है, मैंने आपको अभी पेज भी दिखाया था, आपको वो शो हो रहा होगा स्क्रीन पे. अब इसमें देखो, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये बताने से पहले, ये चीज वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन कि उनको उनकी प्रेफरेंस क्या है. मान लो मैंने NSUT को प्रायोरिटी दी है, कई लोग कहेंगे कि DTU फर्स्ट पे है हमारे लिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है. और अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है और आपके पास दो ऑप्शन है, NSUT कंप्यूटर साइंस और DTU कंप्यूटर साइंस, और मान लो DTU मेरे घर से ज्यादा नजदीक है और NSUT वही मेरे घर से बहुत दूर है, मतलब 2 घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ेगा तब वहां पहुंचेंगे, तो इसलिए इस केस में आपको DTU को प्रायोरिटी देनी है. मतलब सोच रहे हो, इसमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है. ये तो एक जनरल लिस्ट है, इसमें तो मैं आपके पास 3 फैक्टर्स के ऊपर लाया हूं. बेसिकली एक तो हो गया कि वहां का आपका
प्लेसमेंट कैसे, वो तो हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है। बच्चे एडमिशन क्यों लेते हैं बीटेक में, ताकि उनकी एक अच्छी जॉब लग सके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई प्लेसमेंट। सेकंड प्रायोरिटी हमने किसको दी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी एनवायरनमेंट, भाई कॉलेज का मेन पर्पस क्या, आप पढ़ने जा रहे हो ना, प्रायोरिटी तो ठीक है मजाक मस्ती पूरा मौज मस्ती ये सब सोसाइटी फेस्ट ये सब तो होंगे, बट लेकिन आपकी प्रायोरिटी मेन गोल तो पढ़ाई है ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का करिकुलम कैसा है, वहाँ का अटेंडेंस परसेंटेज कैसा है। थर्ड हो गया आपका कि वहाँ का वही कॉलेज लाइफ कैसी है, आपके फेस्ट कैसे होते हैं, आपका सोसाइटी कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो इन सब पूरा मैंने मतलब अच्छे से रिसर्च करके काफ़ी चीज़ें एनालाइज करके फिर ये लिस्ट रेडी करी है। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस आती है NSUT CSAI, ठीक है, मेन कैंपस। आप देखो NSUT के तीन कैंपस है, मेन, ईस्ट, वेस्ट। एक चीज़ और क्लियर कर दो, जो तीनों कैंपस की प्लेसमेंट होती है वो एक ही साथ होती है, तो इसलिए घबराने की नीड नहीं है। बट इशू ये है कि ईस्ट वेस्ट अलग अलग कैंपसेज है, थोड़े छोटे कैंपस हैं, तो फीस के अकॉर्डिंग और लाइक वहाँ पे वो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो आपका NSUT मेन कैंपस में मिलता है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी भी थोड़ी हमने नीचे रखी है। फिर आते हैं NSUT CSE, DTU CSE, NSUT CSDS, फिर NSUT IT, DTU IT, NSUT ITNS, ठीक है, DTU Software Engineering, फिर IIIT Delhi। अब देखो जो IIIT Delhi है ना, इसको बेसिकली मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, मतलब NSUT और DTU IT के बाद भी, क्योंकि IIIT Delhi देखो ठीक है एवरेज पैकेज अच्छा है, बट हमें वहाँ का ओवरऑल देखना है ना। अब IIIT Delhi में क्या आपकी फीस जो है 5-6 lakh है पर ईयर, मतलब आपकी जो BTech होगी वो 20-25 lakh के बीच में खत्म होगी, तो समझ लो फीस एक फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर ये है कि वहाँ पे आपकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो ना तो सिर्फ ये मान के चलो फिर आपको पढ़ाई करनी है। वहाँ इतने प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इतने असाइनमेंट्स मिलते हैं कि आप वही करना पड़ेगा आपको। कॉलेज लाइफ ठीक है होगी, थोड़ा फन होगा, बट ज़्यादा फोकस क्या स्टडीज पे रहना पड़ेगा, ठीक है, मतलब रोज आपको ये मान के चलो 4-5 घंटे एवरेज स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके IIIT Delhi के मैंने कंप्यूटर के कोर्सेज रखे हैं, CSAI, फिर CSE, फिर CSAM, फिर CSD। उसके बाद आता है हमारा IGT2W। देखो ऐसा कॉलेज है, काफी अंडर रेटेड माना जाता है, बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको IGT2W मिल रहा है ना तो उसको मिस मत करना। कोई भी गर्ल अगर ये वीडियो देख रही है तो इसको बिल्कुल मिस मत करना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है ना तो आपको यहाँ पे अच्छी ब्रांच मिल जाती है, और अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो यहाँ का प्लेसमेंट वैसे ही बहुत तगड़ा है, फीस काफी कम है, ROI इतना अच्छा है, काफी मतलब अब देखो ना, मेरे को भी लगता था कि आप गर्ल्स कॉलेज में जा रहे हो तो क्या ही होगा, ज्यादा फन होगा नहीं, बट मैंने IGDTW का जब कैंपस टूर बनाया, वहाँ की गर्ल्स से इंटरेक्ट करा, अगर आपने नहीं देखी ना वो वीडियो वो जाके देखना, मैंने अभी बनाया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो मैंने बनाया, वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करा तो मुझे पता चला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काफी चिल एनवायरनमेंट है, काफी सही है, ऐसा नहीं है स्टडी का लोड भी कुछ नहीं है, फ्री टाइम भी मिल जाता है, और प्लेसमेंट काफी अच्छी है वहाँ की, तो आई वुड सजेस्ट करना उसको ज्वाइन अगर आपको मिल रहा हो। फिर IGDTW की मैंने CS रिलेटेड ब्रांचेस एंड IT रखी है, फिर NSUT मैक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर DTU की, फिर NSUT EC, फिर DTU EC, फिर IIIT Delhi के बचे हुए सारे CS के कोर्सेज, फिर IGDTW EC, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं NSUT ईस्ट पे, NSUT ईस्ट की कंप्यूटर साइंस रिलेटेड 2 ब्रांचेज हैं, आप उसको प्रेफर करना इसके बाद, ठीक है। उसके बाद NSUT इलेक्ट्रिकल, DTU इलेक्ट्रिकल। अब NSUT में ना NSUT में पहले EIOT होती थी, अब NSUT में EVDT आ गई, एक डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करके एक ब्रांच है, अब वो आ चुकी है, तो पता नहीं उसका कोई स्टैक तो है नहीं हमारे पास, पहली बार आई है, तो मैंने इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल के नीचे रखा, भी क्या पता आने वाले टाइम में ये काफ़ी ऊपर चली जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके बाद रखा NSUT IC, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, फिर IIIT Delhi EV, फिर NSUT ECAM, फिर DTU की EP ME और MAM। वो आप देखो अब क्या है ना, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है तो आप इनको ऐसे स्विच कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके जैसे NSUT मैकेनिकल को अगर आपको पहले प्रायोरिटी देनी है तो इसको ऊपर कर दो, बाकी DTU की मैकेनिकल को नीचे कर दो, बट DTU मैकेनिकल के लिए फेमस है, ठीक है, एशिया में नंबर 5th पे आता है, गैस नंबर 5th या नंबर 4th पे, तो आप इसको बिल्कुल प्रेफर करना, ठीक है। उसके बाद DTU की केमिकल तक हो गया आपका, देन
PIE, then ENE, then CE. उसके बाद IGTTW की मैकेनिकल. काफी गर्ल्स का डाउट आता है कि हमें IGTTW की मैकेनिकल लेनी चाहिए कि नहीं, वहाँ का पैकेज कैसा है. तो वहाँ का भी काफी अच्छा पैकेज है. वहाँ पे लोगों के लगते हैं 10 लाख से ऊपर के ही प्लेसमेंट लगते हैं. तो आप इनको भी बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं. उसके बाद मैंने रखा है DTU की बायोटेक, देन NSUT की बायोटेक. फिर उसके बाद आता है हमारा NSUT के तीन वो कैंपसेस मैंने आपको बताए थे. वेस्ट कैंपस की तीन ब्रांचेस और है, नीव, GICE. उसके बाद आप इनको प्रेफर करना. फिर मैंने DSU के सारे कॉलेजेस भरे, जैसे कि आप लिस्ट में देख ही रहे हैं. अब देखो, पिछली बार क्या था ना, सिर्फ ओखला में था हमारा, ओखला 1, ओखला 2, वहाँ पे 4-5 ब्रांचेस थी, बस उसी में हमारी बीटेक होती थी. अब इस बार आप देख रहे हो कितने सारे अलग अलग कैंपसेस है DSU के. ओखला 1 हो गया, रोहिणी हो गया, शकरपुर हो गया, देन आपका द्वारका हो गया, अशोक विहार हो गया. तो ऐसे काफ़ी सारे कैंपसेस है, बट लेकिन मैंने लिस्ट काफ़ी सोच समझ के बनाई है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया. तो आप ये यहाँ तक फिल कर सकते हैं. अगर आपको DSU चाहिए ही नहीं, समझ रहे हो, फिर अगर चाहिए ही नहीं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस तो भर दो. जितने भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेज है, चाहे वो AI हो गया, चाहे वो DA हो गया, चाहे वो NS हो गया, एटलीस्ट उनको तो फिल कर दो. बाद में क्या होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी जो हमारी है वो रिफंड आ जाएगी. रिफंड के लिए हम अप्लाई कर देंगे अगर ऐसा होगा. तो आप अप्लाई ज़रूर करो, आप फिल ज़रूर करो. फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ जाके पूछ सकते हो. टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके पूछ सकते हो. इंस्टा हैंडल है मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके पूछ सकते हो. कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी मत करना, कोई ऐसी चॉइसेस ऊपर नीचे मत कर देना. और आखिरी बार बता रहा हूँ कि आपको कोई नीड नहीं है कि आप काउंसलर्स पे जाओ और उनको इतने फी पे कर दो एडमिशन के लिए. कोई नीड नहीं, आप खुद सफिशियंट हो अपने लिए, आप कर सकते हो, ठीक है. बाकी मैं आपके साथ हूँ, टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट्स लाऊंगा. अभी क्या शेड्यूल रहने वाला है, पूरा जो हमारा ब्रोशर है एडमिशन का वो क्या है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है, सब क्लियर करूंगा. तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, ठीक है. तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, बाय.